नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। हम लोग सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने दो चैप्टर को देख लिया था, इंट्रोडक्शन और फाउंडेशन को। आज हम लोग वॉल्स यानी दीवारें पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग दीवारों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो दीवार क्या होता है, हमने जैसे फाउंडेशन को पढ़ा था डिटेल में, उसी प्रकार से हम लोग जो चैप्टर हमारा वॉल्स है इसको भी हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो दीवार किसी भी भवन का या किसी भी संरचना का वह भाग होता है जो ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है ये, ऐसा होता है वर्टिकल होता है, किसी भी भवन में का वह भाग जो वर्टिकल होता है। यह क्या करता है, कमरों को एक दूसरे से अलग करने का काम करता है। यह गोपनीयता बनाने के लिए क्या किया जाता है, दीवारों का निर्माण किया जाता है। और बाह्य सुरक्षा के लिए किसका निर्माण किया जाता है, दीवार का प्रयोग किया जाता है। तो इसी दीवार को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स, यानी कि दीवारों का वर्गीकरण। तो दीवारों का जो वर्गीकरण है किसके किसके आधार पर इसको बांटा गया है, अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो दीवारों, पहला है दीवारों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण हम लोग करेंगे। फिर दूसरा क्या है, भार वहन करने के आधार पर दीवारों का हम वर्गीकरण करेंगे। और तीसरा है दीवार में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे कि कौन सा पदार्थ से वह जो दीवार बना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दीवार का वर्गीकरण करेंगे। तो अब आइए हम लोग इन सब को डिटेल में देखते हैं। तो पहला है दीवार की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, कहाँ पर स्थित कौन सी दीवार है उसके आधार पर वर्गीकरण में यह तीन प्रकार के हैं। पहला है एक्सटीरियर वॉल यानी बाह्य दीवारें, दूसरा है इंटीरियर वॉल आंतरिक दीवारें, और तीसरा है बाउंड्री वॉल्स, चार दीवारी इसको बोलते हैं या सीमा दीवार बोलते हैं। तो आइए अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है कौन सा है, बाह्य दीवारें या एक्सटीरियर वॉल्स। हम लोग जानते हैं किसी भी संरचना में दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग होता है एक बाह्य भाग होता है। तो बाहरी क्षेत्र में जितनी भी दीवारें होती हैं उसको बाह्य दीवारें बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक संरचना है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसका प्लान बना रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये बेडरूम है, ठीक है, ये भी बेडरूम है, इधर आपका क्या है गलियारा हम मान लेते हैं, फिर इधर अगर आपका किचन टॉयलेट और इधर क्या आता है बरामदा एक हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई संरचना है तो अब इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा इसमें बाह्य दीवारें हैं। तो ये जो बाहर की जितनी भी दीवारें होंगी, ये वाली दीवार जो होगी, इस वाले दीवार को हम क्या करेंगे, बाह्य दीवार। यानी किसी संरचना की जो बाहर की दीवारें जितनी भी होती हैं उसे हम बाह्य दीवारें कहते हैं। बाह्य दीवारों को क्या करना चाहिए, मजबूत बनानी चाहिए, क्योंकि और यहाँ पर बाह्य दीवारें ही क्योंकि वातावरण के संपर्क में सीधे रहती हैं, तो इस पर पेंट और ये सब स्नोसम का पेंट लगाना चाहिए जिससे कि बाहर से देखने में क्या हो, आकर्षित लगे। तो इस प्रकार से हमने बाह्य दीवारों को पढ़ा। अब आंतरिक दीवारें किसको बोलते हैं, बाह्य दीवार को छोड़ करके जितने अंदर की दीवारें होती हैं उसको आंतरिक दीवारें कहते हैं, इंटीरियर वॉल्स बोलते हैं। जो बाह्य दीवारें होती हैं वह क्या होता है, प्रायः ये जो बाह्य दीवार, जो ये बाह्य दीवार है, ठीक है, बाह्य दीवारें प्रायः एक ईंट मोटी होती है, एक ईंट मोटी बनाई जाती है। और जो आंतरिक दीवारें हैं वो क्या है, आधी ईंट की भी बनाई, यानी 10 सेमी के लगभग इसको बनाया जा सकता है। और यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात होती है कि जो आंतरिक दीवारों पर लोड क्या होता है, बहुत कम आता है। यह आंतरिक दीवार क्या होता है, यह भवनों को क्या करता है, अलग करने का काम करता है, गोपनीयता बनाने का काम करता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि बाह्य दीवारों को छोड़कर अंदर जितनी भी दीवारें हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक दीवारें। और बाउंड्री वॉल्स चार दीवारी या सीमा दीवार बोलते हैं। तो जैसे भवन है, भवन के चारों तरफ जहाँ तक हमारी भूमि रहती है, अगर हम उसका बाउंड्री कराना चाहें, जैसे मान लीजिए ये हमारा भवन है, हम इसके चारों तरफ क्या करना चाहते हैं, बाउंड्री कराना चाहते हैं, तो अब बाउंड्री के लिए भी तो दीवार खड़ा करनी पड़ती है, तो उस दीवार को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री वॉल्स बोलते हैं। बाउंड्री वॉल्स में क्या होता है, सिर्फ स्वयं का उसका ही लोड होता है और इसमें किसी प्रकार का क्या होता है, बाहर ऊपर से लोड आता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि इसकी ऊंचाई भी कम होती है। इस पर सिर्फ क्या होता है, हवा का दाब आता है, जैसे चार दीवारी है, जब हवा बहता है तो उसमें क्या होता है, वायु दाब भी लगता है। तो इस प्रकार से हमने दीवार की स्थिति के आधार पर हमने जो है कि दीवारों का वर्गीकरण देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं भार वहन करने के आधार पर वर्गीकरण। तो भार वहन करने के आधार पर दो प्रकार की होती है, लोड बियरिंग वाल्स यानी भारवाही दीवारें और नॉन लोड बियरिंग वाल्स अभारवाही दीवारें। तो यानी कि किसी भी भवन की वे दीवारें जो भार को वहन करती हैं, जिस पर कि लोड आता है, उन दीवारों को हम क्या कहते हैं, भारवाही दीवारें कहते हैं। जैसे मुख्य दीवार, जैसे जितनी भी ये बाहर की दीवारें होंगी, इस पर क्या होता है, लोड आता है, तो इस दीवार को हम क्या बोलेंगे, जो है कि भारवाही दीवारें। जैसे मुख्य जो दीवारें होती, जैसे ये दीवार हो गया, तो जिस पर लोड आएगा, जिन दीवारों पर लोड आता है उसको लोड बियरिंग वाल्स बोलते हैं। और नॉन लोड बियरिंग वाल्स यानी अभारवाही दीवारों के अंतर्गत कौन से आते हैं, जैसे पार्टीशन वाल हो गया, तो उन दीवारों में क्या होता है, कोई लोड नहीं आता है, बाहर से स्वयं का लोड आता है। और कौन सी दीवार हो गई, जैसे चार दीवारी दीवार है, सीमा दीवार है, तो इस पर भी कोई क्या कोई लोड नहीं आता है, अतिरिक्त अपने लोड के अतिरिक्त कोई अन्य लोड नहीं आता है, तो चार दीवारी जो है वह भी क्या है, अभारवाही दीवारों के अंतर्गत आएगा। अगर अब हम बात कर रहे हैं दीवार में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण, यानी कौन सी पदार्थ का बना हुआ है दीवार, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो ईंट चिनाई की दीवार प्रायः जो हम लोग देखते हैं वह ईंट चिनाई का, यानी कि अगर पदार्थ के रूप में कौन सा प्रयोग किया गया है, ईंट प्रयोग किया गया है, तो हम उसको ईंट चिनाई की दीवार कहते हैं। मुख्यतः ईंट चिनाई की दीवार ही हर जगह प्रायः होता है। पत्थर चिनाई की दीवार, जो पत्थर चिनाई जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, जहाँ पर कि पत्थर उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो उन स्थानों पर पत्थर चिनाई सस्ता पड़ता है। जैसे ऐतिहासिक जितने भी भवन हैं आप देखेंगे, वह पत्थर के ही बने होते हैं। पत्थर क्योंकि दीर्घायु तक होता है और ये मौसम के प्रति जो है कि काफ़ी अनुकूल होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी मौसम का, और यह दीर्घायु तक चलने वाला होता है। तो पत्थर चिनाई का प्रयोग हम कहाँ पर, ऐतिहासिक इमारतों में प्रायः किया जाता है। तो जब जो है कि पदार्थ के रूप में पत्थर का प्रयोग किया जाता है, तो उस चिनाई को हम क्या करते हैं, उस दीवार को हम क्या करते हैं, पत्थर चिनाई की दीवार बोलते हैं। ठीक है, अब प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार। अब जैसे ईंट चिनाई हो रहा है, अगर ईंट जो है कि क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका अधिक होता है, लेकिन इसका टेंसाइल स्ट्रेस अधिक नहीं होता है। जब संपीड़न बल के साथ साथ टेंसाइल फोर्स भी अगर लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्रबलित ईंट चिनाई का दीवार का निर्माण करते हैं। तो इसमें ईंट के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है, छड़ का भी प्रयोग किया जाता है। प्रबलन का मतलब होता है इस्पात, यानी छड़ का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको प्रबलित बोलते हैं, प्रबलित ईंट कंक्रीट। तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे बेसमेंट हुआ, बेसमेंट में, बेसमेंट मतलब क्या होता है, जब जीएल से नीचे यानी ग्राउंड लेवल से नीचे कोई भी संरचना बनाई जाती है तो उसको हम बेसमेंट बोलते हैं। तो बेसमेंट में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल के नीचे हमें संरचना बनानी है, तो हम अगर नीचे बनाएंगे तो क्या होगा, अब इधर से अर्थ प्रेशर भी आएगा। ठीक है, जो
मिट्टी का दबाव है वो आएगा, तो ऐसी स्थिति में इसमें टेंसाइल फोर्स भी जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईंट चिनाई के साथ साथ हम क्या करते हैं उसमें छड़ भी लगा देते हैं, इससे जो हमारा संरचना है उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जब ईंट के साथ साथ छड़ यानी इस्पात का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम प्रबलित ईंट चिनाई दीवार बोलते हैं। अब प्रबलित कंक्रीट की दीवार, यानी कि जब RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का दीवार, जब यानी कि पदार्थ के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रबलित कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट होता है, ठीक है, फिर फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के साथ साथ हम जब प्रबलन का प्रयोग करते हैं, छड़ का प्रयोग करते हैं, तो वह प्रबलित कंक्रीट कहलाता है। तो प्रबलित कंक्रीट जहाँ पर बहुत अधिक प्रेशर आता है, जैसे यहाँ पर प्रेशर आता है, और जितने भी परमाणु संयंत्र है जहाँ पर कि अधिक प्रेशर जनरेट होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं प्रबलित कंक्रीट दीवार का यूज करते हैं। इसका भी प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, बेसमेंट में करते हैं, जहाँ पर कि दबाव अधिक आता है। अब पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉकों की दीवार, जैसे ईंट है, ईंट को ही क्या बनाया जाता है, पहले इसको बना दिया जाता है, फिर भट्ठे में इसको क्या किया जाता है, पका करके तब यूज लाया जाता है। तो इसी प्रकार से पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉकों की दीवार, यह प्रायः सीमेंट बालू का बना होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको ढाल लेते हैं, ढालने के बाद क्या करते हैं, इसको हम जब यूज में करते हैं तो ये खोखला होता है, जैसे क्या होता है, यह खोखला होता है, इस प्रकार से हो सकता है कि ये खोखला होता है, ठीक है, एक क्या होता है खोखला, पूरा नीचे तक ये पूरा होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि पहले बात कम मटेरियल इसमें रहता है, और खोखला होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, यह ध्वनि रोधी और ताप रोधी होता है। तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं खोखले ब्लॉक का यूज निर्माण में करते हैं तो उसको पूर्व प्रबलित खोखले ब्लॉकों की दीवार कहते हैं। अब पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉकों की दीवार, इसमें क्या होता है, ठोस ब्लॉकों की दीवार कैसे बनाते हैं हम, इसमें क्या होता है, पहले से ही हम एक ढलाई कर देते हैं दीवार का, और उसको खांचे के रूप में हम क्या कर देते हैं, जैसे इतना बड़ा हमने क्या किया, एक ढाल लिया। इसका प्रयोग हम प्रायः कहाँ पर करते हैं, जैसे चार दीवारी के रूप में, बाउंड्री वाल के रूप में इसका पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉकों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत से बना करके हम इस प्रकार से इसको बना लेते हैं, यानी कि कई बना लेते हैं, जैसे क्या होता है इस प्रकार से, मान लीजिए हमने बहुत से बना लिए, तो इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर हम कई क्या करते हैं, पूर्व जो ढाल करके बनाया जाता है ठोस निर्मित ब्लॉकों का दीवार, तो कई ब्लॉक ला करके हम क्या करते हैं ऐसे, और एक टी टाइप का खाँचा होता है उसमें क्या करते हैं डालते जाते हैं। तो ये क्या होता है, जिससे कि कम समय में दीवार को खड़ा किया जा सकता है, इस टाइप से इसको क्या किया जाता है, फंसा दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉकों का दीवार बन करके तैयार हो जाता है। अब संयुक्त चिनाई की दीवार, संयुक्त चिनाई का दीवार कैसे बनाया जाता है, इसमें दो चिनाई की जाती है, ये सामने यानी कि कोई भी दीवार है, ठीक है, जैसे ये दीवार है, अगर ये बाह्य दीवार है मान लेते हैं, और ये अंदर की दीवार है, अंदर साइड की दीवार है, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्योंकि कोई भी आएगा तो बाहर से ही पहले वो देखेगा, फ्रंट में ही देखेगा, तो बाह्य सुंदरता बढ़ाने के लिए, सजावट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर में हम अच्छी चिनाई कर देते हैं, महंगी चिनाई कर देते हैं, और अंदर में उसका सस्ती चिनाई कोई भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि दो प्रकार से चिनाई की जाती है, बाहर कुछ और चिनाई की जाती है, अंदर कुछ और चिनाई की जाती है। तो इस प्रकार से जब चिनाई की जाती है तो उसको संयुक्त चिनाई की दीवार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने दीवारों का वर्गीकरण समझा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उस डाउट को दूर करने का प्रयास करूं। अब आइए हम लोग चिनाई से संबंधित
महत्वपूर्ण टर्म को देखते हैं, कॉमन टर्म्स रिलेटेड विथ मशीनरी, चिनाई से संबंधित सामान्य पद। इसको जानने से पहले आइए हम ईंट के साइज़ के बारे में जानते हैं। ईंट की जो नॉमिनल साइज होती है वह कितनी होती है, 20 × 10 × 10, ये किसमें सेमी, ये नॉमिनल साइज है, ठीक है, ये क्या है, नॉमिनल साइज है। अगर हम स्टैंडर्ड साइज की बात करें कि ईंट की जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो कितनी होती है, 19 × 9 × 9, ये किसमें है, सेमी में है। तो यहाँ पर जो हम ईंट की जो साइज ले रहे हैं वह स्टैंडर्ड साइज ले रहे हैं, 19 × 9 × 9 सेमी। तो अब आइए हम लोग पहला देखते हैं स्ट्रेचर एंड स्ट्रेचर कोर्स। कोर्स मिस होता है रद्दा, ठीक है। तो हम स्ट्रेचर पहले किसको बोलेंगे, जैसे यह ईंट है, ठीक है, यह ईंट है, तो ये जो सामने वाला भाग है, ठीक है, स्ट्रेचर कौन सा है, स्ट्रेचर कौन सा है, ये 19 × 9, ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर, ये वाला जो भाग है इसको हम स्ट्रेचर बोलते हैं। तो स्ट्रेचर कोर्स किसको बोलेंगे, अब जैसे हम बना रहे हैं, अगर जैसे ये ईंट है, ठीक है, इस प्रकार से एक ईंट है, ठीक, फिर हमने क्या किया, क्योंकि एक कोर्स में क्या होता है, कई ईंट होते हैं, ठीक, तो क्या हुआ, एक लाइन में ऐसे ही बहुत से ईंटें होंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, इसमें मसाला भर देते हैं, मसाला भरने के बाद क्या करते हैं, फिर इसके ऊपर ईंट रखते जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया, ठीक, फिर इसके ऊपर रखेंगे, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फिर इसके ऊपर रखे जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक रद्दा है, इसको बोलेंगे रद्दा, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रद्दा या कोर्स बोलते हैं, दूसरा रद्दा हो गया, ठीक है, यानी कि एक दूसरा ए तल हो गया, दूसरा तल, इसी को क्या बोलते हैं, रद्दा कोर्स बोलते हैं। तो अगर हमें सामने से दिखाई देने वाला कौन सा भाग हो, 19 ये वाला भाग हो, ठीक है, और 9 ये वाला भाग हो, तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। और इस प्रकार से जो कोर्स बनता है उसको स्ट्रेचर कोर्स बोलते हैं। तो ये सामने से देखने पर कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये हमें दिखाई देगा, यानी कि ये जो भाग दिखाई देगा 19 वाला रहेगा, ये 9 वाला। तो हम सामने से ही देख कर के पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सी चिनाई की गई है, स्ट्रेचर वाली चिनाई की गई है या हेडर वाली चिनाई की गई। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रेचर को समझा। अब आइए हेडर एंड हेडर कोर्स। अब हेडर का मतलब कौन सा होता है, जब अगर ये वाला भाग दिखाई दे हमें, ठीक है, यानी कि 9 × 9, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्ट्रेचर एंड स्ट्रेचर के लिए कौन सा है, 19 × 9 सेमी वाला भाग है, और हेडर के लिए कौन सा है, 9 × 9। अगर सामने से हमें देखने पर कौन सा दिखाई दे, ये वाला पोर्शन दिखाई दे, इस प्रकार से सामने वाला पोर्शन हमें जब ब्रिक्स की दिखाई दे, ये वाला एक इतना है, 9 है, ये 9 है, ठीक है, इस प्रकार से हमें जब दिखाई दे, तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। और अगर ऐसे ही बहुत से ब्रिक लगे हों, ठीक है, बहुत से ब्रिक लगे हों, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होंगे, अगर एक कोर्स में लगा हो, एक रद्दे में पूरा एक सतह में लगा हो, तो उसको कोर्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, हेडर एंड हेडर कोर्स बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बॉन्ड को समझते, थॉट
स्टोन यानी धूर पत्थर किसको बोलते हैं, जब पत्थर चिनाई करते हैं, पत्थर की चिनाई हम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब पूरे एक रद्दे में, ठीक है, एक जैसे मान लेते हैं कोई भी दीवार की मोटाई हम मान लेते हैं कि धूर पत्थर किसको बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारा दीवार का मोटाई इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कहीं पत्थर का बना करके इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम पत्थर को करके बनाते हैं, ठीक। तो धूर पत्थर यहाँ पर किसको बोलेंगे, ठीक है, थॉट स्टोन किसको बोलेंगे, अगर हम पूरे दीवार की मोटाई में जो स्टोन लगाएंगे, पूरे यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम जो स्टोन लगा देंगे, अगर पूरे दीवार की मोटाई में हम स्टोन लगा देंगे, यही क्या कहलाएगा, धूर पत्थर कहलाएगा। समझ में आया, यानी कि पूरी दीवार में लगा जो पत्थर होगा, स्टोन होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, थॉट स्टोन यानी धूर पत्थर बोलेंगे। अगर हम बात करें बॉन्ड की, चाल की, तो चाल किस लिए दीवार में बनाए जाते हैं, दीवार की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम चाल का निर्माण करते हैं। अभी हम चाल को यानी बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसको अभी ध्यान रखिएगा कि चाल क्यों बनाते हैं ईंट चिनाई में या ब्रिक्स जो है कि स्टोन चिनाई में, दीवार की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हम किसका निर्माण करते हैं, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पाँचवा है क्वीन क्लोजर, ठीक है, क्वीन क्लोजर यानी मादा डेली, ठीक है, मादा डेली किसको हम बोलेंगे, आप देखे होंगे जब ईंट चिनाई का यानी दीवार का निर्माण होता है तो जो राजमिस्त्री होता है तो देखे होंगे ईंट को क्या करता है, काटता है, कई जो है कि साइज में काटता है, तो उसी को हम देखेंगे कि कब किसको मादा डेली बोलेंगे, कब किसको यानी कि नर डेली बोलेंगे। अगर हम एक ईंट है, ठीक है, जैसे हमने एक ईंट ले लिया इस प्रकार से, ये ईंट है, ठीक, अब ये वाला साइज कितना है, 19 है, और ये कितना है, 9 है, और ये कितना है, 9 है, ठीक है। अब हम क्वीन क्लोजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि क्वीन क्लोजर हम किसको बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मोटाई कितनी है, 9 सेमी है, और इसकी ये जो हाइट है ये भी 9 सेमी है। अगर हम इसकी क्या करें, यहाँ से इसका जो चौड़ाई है ईंट की चौड़ाई, इसको हम आधा कर दें, ठीक है, आधा कर दें, और यहाँ पर इसको भी हम क्या करें, इसकी ऊंचाई भी क्या करें, जो ये चौड़ाई है आधा कर दें, तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा, वृक्ष जो प्राप्त होगा यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये तो ये वाला जो भाग कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर की साइज क्या हो गई, यानी कि तो पूरा लंबाई तो रहेगा, लंबाई उतना ही रहेगा, 19 रहेगा, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई भी वही रहेगी, 9 ही रहेगी, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, इसकी आधा हो जाएगी, यानी कि 9/2 4.5 सेमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलेंगे, इस प्रकार के ईंट को क्या बोलेंगे, क्वीन क्लोजर बोलेंगे। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम आगे अभी बताएंगे, इंग्लिश बॉन्ड में करते हैं, उसकी क्या होता है, बॉन्ड को क्या अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं, ताकि जो चिनाई में ऊर्ध्वाधर जो बॉन्ड आते हैं एक ही पर ना पड़े, उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका क्वीन क्लोजर का प्रयोग करते हैं। तो क्वीन क्लोजर की आप साइज ज़रूर याद रखेंगे कि अगर ईंट है, ईंट को हम बीच से काट दें, ठीक है, इस प्रकार से खड़ा करके काट दें, तो इस जो हमें ईंट प्राप्त होगा, आधा ईंट प्राप्त होगा ऐसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वीन क्लोजर बोलेंगे।
इसका यूज कहाँ पर करते हैं? इंग्लिश बॉन्ड में करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किंग क्लोजर का, नर डेली। नर डेली किसको बोलेंगे? जैसे यह ईट है, ठीक है, यह ईट है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से यह ईट है, ठीक है। अब हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, किंग क्लोजर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करें, इसका जो ये लंबाई वाला पोर्शन है और चौड़ाई वाला पोर्शन, ठीक है, अब ये लंबाई वाला पोर्शन को क्या कर दें, आधा कर दें, ठीक है, लंबाई वाले पोर्शन को क्या कर दें, आधा कर दें, और चौड़ाई वाले पोर्शन को क्या कर दें, आधा कर दें, ठीक। तो अब आधे वाले भाग कुछ इस प्रकार से आधा करके हम क्या करें, इस वाले भाग को क्या कर दें, निकाल दें, ठीक, इधर वाला भाग को क्या कर दें, हम निकाल दें। तो अब जो हमें ये वाला पोर्शन जो बचेगा, जो ईंट बचेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को हम किंग क्लोजर बोलेंगे, यानी कि नर डेली बोलेंगे। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, दीवार हो गया, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, खिड़कियों और जो दरवाजे हैं उनके जैम्ब के रूप में, जहाँ पर पाखा होता है, जो जहाँ पर आकर के खिड़कियाँ और दीवार सटते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, जब खिड़की और दरवाज़ा के जो पल्ले लगे होते हैं वो खुलेंगे तो आकर के इसी में सट जाते हैं। अगर हम इसको एक लाइन डाइग्राम की तरह बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो ये वाला जो भाग हम निकालेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये जो कहलाएगा, इस प्रकार से जो रहेगा संरचना हमारा दिखाई देगा जो ईंट का। जो इस प्रकार की अगर ईंट रहेगा तो इसी को क्या बोलेंगे हम, किंग क्लोजर बोलेंगे। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, खिड़की और दरवाजों के जैम्ब के रूप में करते हैं। अब आइए हम लोग सातवां कैंट को देखते हैं कि कैंट हम किसको बोलेंगे। अगर हम क्या करें कि जैसे हमने नर डेली और मादा डेली को देखा, अब हम कैंट को कैसे परिभाषित करेंगे या कैसे कहेंगे कौन कैंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रिक ले रहे हैं, ठीक है, एक हम ब्रिक ले रहे हैं इस प्रकार से, ये क्या हो गया हमारा ब्रिक हो गया। अब इसका हम आधा कर दें, ठीक है, और इसका हम क्या करें, जितना इधर आधा चलें उतना इधर भी हम चलें। इसमें क्या था, आधा इसका चलेंगे हम, यानी कि आधा ये है, ये आधा है, इसका ये आधा है, तो इस प्रकार से कितना है, 4.5 सेमी इधर है, तो इधर क्या है, 19 का आधा है, 19/2 है, और ये कितना है, 9/2, यानी कि इसमें लंबाई का आधा कर देते हैं और चौड़ाई का आधा करके जो तिर्यक काट देते हैं। तो इस प्रकार से जो सर मिलता है, जो ब्रिक हमें मिलता है, उसको किंग क्लोजर बोलते हैं। और इसमें क्या है, ठीक उसी टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जितना लेते हैं, जैसे 9 पूरा है, यहाँ से यहाँ तक 9 होता है, तो हमने 9/2 इधर कर दिया और 9/2 इधर ले लिया। तो इस प्रकार से जो हमें जो ईंट प्राप्त होगा, इसको फिर क्या करेंगे, काट करके इसको हम इस वाले पोर्शन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ये जो हमें प्राप्त होगा, ईंट प्राप्त होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कैंट बोलेंगे। इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंट यही है कि इसमें हम 9/2 इधर लेते हैं, और यानी कि चौड़ाई का आधा लेते हैं और लंबाई का आधा लेते हैं। इसमें अंतर क्या है, हम चौड़ाई का आधा लेते हैं और उतनी ही दूरी हम इधर चलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें ईंट प्राप्त होता है, इसको हम कैंट बोलते हैं। अब हम बुल नोच की बात करें, कैंट का भी यूज कहाँ पर करते हैं, खिड़की और दरवाज़ों में जैम के रूप में करते हैं। अगर अब हम बात करें बुल नोच, ठीक है, बुल नोच ब्रिक का यूज कहाँ पर करते हैं, इसको पहले बुल नोच ब्रिक कैसे कहेंगे, जैसे इस प्रकार से है ब्रिक, इसको मिटा दे रहे हैं,
बुल नोज ब्रिक किसको कहते हैं, टेपर टाइप का होता है, जैसे हम मान लेते हैं ब्रिक यही है, इस प्रकार से ये ब्रिक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, कुछ इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ला करके इस प्रकार से हम इसको अगर टेपर्ड कर दें, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या करें टेपर्ड कर दें, इसको इधर से भी हम क्या करें ला करके इस प्रकार से टेपर्ड कर दें, तो इस प्रकार से जो हमारा ब्रिक मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बुलनोज कहते हैं। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जो खुली नालियाँ होती है, नालियों में बनाने में हम क्या करते हैं बुलनोज का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें बैट का, यानी रोड़ा किसको बोलते हैं, रोड़ा हम ईंट को क्या करें आधे पर से तोड़ दें तो इसको हम बोलते हैं हाफ बैट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हाफ बैट बोलते हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं, जैसे ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, ठीक, इसको हम आधे पर से क्या कर दें, इसको हम आधे पर से अलग कर दें, ठीक है, इसको अगर हम आधे पर से अलग कर दें तो इस आधे ईंट को हम क्या बोलेंगे हाफ बैट बोलेंगे, ठीक है। या इसको अगर हम क्या करें, एक इस प्रकार से अगर ब्रिक है, इस प्रकार से अगर ब्रिक है, अगर इसका 3/4 ले रहे हैं तो इसको हम पौना बोलते हैं, क्या बोलते हैं पौना बैट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम पौना बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं आधा बोलते हैं, आधा बोलते हैं, इसको पौना बोलते हैं, ठीक है। अब बैट हो गया हमारा, अब बेड, बेड या आधार किसको बोलते हैं, जिस जैसे हम क्या करते हैं जब ईंट की हम चिनाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं पहले मसाला को बिछाते हैं तो एक सतह प्रदान करते हैं, उसी सतह को हम क्या बोलते हैं बेड बोलते हैं। नेचुरल बेड या प्राकृतिक सतह किसको बोलते हैं, अगर हम जैसे अगर हम पत्थर चिनाई की बात करें तो पत्थर चिनाई को हम कैसे पत्थर को प्राप्त करते हैं, पत्थर को खनन द्वारा प्राप्त करते हैं, तो खनन से जो हम चट्टाने लाते हैं तो जिस बेड पर रहता है उस बेड को ही क्या बोलते हैं प्राकृतिक नेचुरल बेड बोलते हैं। तो उसको उसी तरह से हम क्या करते हैं यहाँ चिनाई में भी लगाते हैं, तो उसके जो जो उत्खनन से जो हमें प्राप्त जिस बेड पर होता है तो पत्थर का वही बेड क्या कहलाता है हमें नेचुरल बेड कहलाता है। अगर हम बात करें फ्रॉग, दिल्ला या किश्ती, दिल्ला या किश्ती किसको कहते हैं, यह जो ब्रिक बना हुआ है इसमें यह देखेंगे बीच में एक खाँचा बना होता है, इसी को हम दिल्ला या किश्ती बोलते हैं। दिल्ला किश्ती का काम क्या होता है, यह इंटरलॉकिंग का काम करता है, चाबी का काम करता है। अब जब भी हम ईंट चिनाई का काम करेंगे हमेशा दिल्ला ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, ऊपर रहने से फ़ायदा क्या होगा कि इसमें जब मसाला भरा जाएगा, मोर्टार भरा जाएगा तो आसानी से उसमें पूरा भर दिया जाएगा, और अगर नीचे अगर इसको करके लगाएंगे तो इसमें दिल्ली में क्या होगा कि मसाला सही से नहीं भर पाएगा, जिससे ईंट की सामर्थ कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी ईंट चिनाई होगी उसमें दिल्ला हमेशा क्या होगा ऊपर होगा। तो दिल्ली की जो गहराई होती है लगभग एक सेमी रखते हैं, एक सेमी से 1.5 सेमी या 2 सेमी तक रखते हैं, प्रायः 1 सेमी ही हम रखते हैं दिल्ली का जो साइज होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पैरापेट वाल यानी मुंडेर दीवार किसको बोलते हैं, छत का जो यानी कि लास्ट छोर होता है, लास्ट जो तल होता है उस पर क्या करते हैं चारों तरफ से हम एक बाउंड्री वाल घेर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं पैरापेट वाल बोलते हैं। इसकी मोटाई या तो एक ईंट की या आधे ईंट की हो सकती है, तो इस प्रकार से जो बनते हैं पैरापेट वाल बोलते हैं उसका। अब 14वां है स्पैल्स या कतर बोलते हैं, कतर बोलते हैं। तो जब ईंट की चिनाई करते हैं तो ईंट का क्या होता है बहुत से टुकड़े प्राप्त होते हैं, तो उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं स्पैल बोलते हैं या कत्तर बोलते हैं। अब 15वां है टूथिंग, दाढ़ा, दाढ़ा किसको बोलते हैं,
ठीक है। दाढ़ा किसको बोलते हैं आइए जानते हैं। जैसे क्या हो कि अगर हम मान लेते हैं भविष्य में कोई घर बन रहे हैं और उस घर के बगल में भविष्य में हम कोई और कोई घर बनाने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में हम दाढ़ा छोड़ देते हैं, टूथिंग छोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब घर बनाते हैं तो दीवार में क्या करते हैं, जैसे एक यह हो गया, अगर नीचे से हम चलें तो अगर एक यह हो गया तो क्या करते हैं 5 सेमी कुछ बाहर निकाल देते हैं, ठीक। फिर देखा होगा फिर ऐसे, ठीक, इस प्रकार से, ये कितना 5 सेमी आधी दीवार देखेंगे बाहर निकला होता है। इस प्रकार से क्या होता है पूरे लंबा ऊंचाई तक क्या होता है निकला होता है। इसको क्या बोलते हैं टूथिंग बोलते हैं, दाढ़ा बोलते हैं। इससे मान लेते हैं भविष्य में अगर कभी दीवार को आगे बढ़ाना हुआ तो हम क्या करते हैं इसी के बीच में क्या करते हैं, अब फिर हम निर्माण कार्य क्या करते हैं इसी के आगे से हम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो निकला होता है इसी को क्या बोलते हैं टूथिंग बोलते हैं या दाढ़ा बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इससे क्या होता है इंटरलॉकिंग अच्छी रहती है, या एक दिन का कार्य जब मान लीजिए आज हम काम किए और कल फिर उस काम को प्रारंभ करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं टूथिंग बनाते हैं। तो इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक हमने बनाया, ठीक है, पहला रद्दा ये हो गया, फिर हम क्या करते हैं दूसरे रद्दों को फिर थोड़ा सा इसको इधर से करते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर हम जब कल यानी कि आज हम कार्य की समाप्ति के बाद जब हम कल आते हैं तो फिर क्या करते हैं ये ऐसे ही काम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से करने से क्या होता है कि जो दीवार की सामर्थ्य क्या होती है अच्छी बनती है और इंटरलॉकिंग अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से इस ये वाला भी दाढ़ा है, ये वाला भी, दो टाइप्स के दाढ़े होते हैं। ये क्या होता है दीवार को भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, इसको क्या करते हैं दैनिक कार्यों में यूज करते हैं। जैसे दैनिक कार्य को समाप्ति के दिन क्या करते हैं ऐसा बना देते हैं कि आने वाले अगले दिन को हम आकर के फिर से यहाँ पर ऐसे शुरू करेंगे। अगर हम क्या करें टोल्डर या इसको कॉर्बल बोलते हैं, कॉर्बल क्या होता है जैसे छत और जहाँ पर दीवार एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर कॉर्बल का या टोडा का निर्माण किया जाता है। यह प्रायः कहाँ पर ये आरसीसी भवनों में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में दीवार का वर्गीकरण किया और चिनाई में प्रयुक्त होने वाले शब्दावलियों को भी देखा। हमें उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।